नोएडा में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। नोएडा प्राधिकरण ने मुक्त कराई 30 करोड़ की जमीन। प्राधिकरण की टीम ने सालारपुर गांव में चलाया है ये अभियान। बुलडोजर के जरिए जमीन से हटाए गए अवैध निर्माण, गांव संख्या 700 से 711 तक अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण जहां जहां किया जा रहा था उनको हटाने का जो अभियान है वो साफ तौर से नोएडा में देखने को मिल रहा है। नोएडा में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। जो अवैध निर्माण किए गए हैं, अवैध तरीके से बनाए गए, उन पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। उन सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। नोएडा प्राधिकरण ने 30 करोड़ की जमीन मुक्त कराई है। प्राधिकरण की टीम ने सलारपुर गांव में अभियान चलाया। बुलडोजर के जरिए जमीन से अवैध निर्माण हटाए गए। गांव संख्या 700 से 711 तक अतिक्रमण हटाया गया है। तो नोएडा में अवैध निर्माण पर बुलडोजर का जो एक्शन है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जगह जगह पर साफ तौर से अवैध निर्माण देखने को मिल रहा है। जो अवैध तरीके से निर्माण किए गए उन सभी पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। उन सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। उन सभी अवैध निर्माणों पर ये बुलडोजर चलाया गया है और आगे अगर जो भी अवैध निर्माण किए जाएंगे तो उन सभी पर इस तरह से जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो देखने को मिलेगी। और गाँव संख्या 711 तक ये बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। जितने भी अवैध निर्माण किए गए थे उन सभी को ध्वस्त कर दिया गया। तो नोएडा में यह अभियान देखने को मिला है। 30 करोड़ की जमीन नोएडा प्राधिकरण ने अवैध निर्माण से मुक्त कराई है।